सो जा। सो जाओ प्लीज जयंत। गुलन क्या है? हमारी शादी को कितना टाइम हुआ? 4 साल 3 महीने 2 दिन और आधी रात। अब सो जाओ। गुलन, इन 4 साल 3 महीने 2 दिन और आधी रात के बावजूद जिंदगी में कुछ कमी नहीं? मेरी जिंदगी में एक ही कमी है, वो हो तुम। मैं उस कमी की बात कर रहा हूँ जो हम दोनों की जिंदगी में है। एक छोटी सी कमी, एक प्यारी सी कमी, एक ऊंची कमी। बिहेव योरसेल्फ जयंत। मैंने तुमसे कितनी बार कहा ऐसे मत क्या करो। तो मुझे भी क्या पड़ी है? आई डोंट केयर। मैं ये सब अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारी मम्मी के लिए कर रहा था, जिन्हें नानी बनने का बहुत शौक है। हमेशा के लिए जाते जाते अपने प्यार की निशानी छोड़े जा रही हूँ। हो सके तो मेरे मरने के बाद इस मासूम को अपने सीने से लगा लेना, शायद मेरी तड़पती आत्मा को शांति मिल सके। बेचारा, वेरी सैड यार, वेरी सैड। देखा मंगेश? देख रहा हूँ और तेरा ये नाटक भी समझ रहा हूँ मैं। कभी तुझसे ही उम्मीद नहीं थी। ए, तू क्या बोल रहा है? हाथ मत लगा मुझे। दिन में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे, औरत की लाचारी, औरत की मजबूरी, उस पे बहुत बड़ी बड़ी कहानियां लिखता है और रात में ये सब करता है तू। अरे यार, तू कमल, ये बच्ची मेरी नहीं है यार। मेरी है। अरे मेरी बच्ची है। अरे अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया। सब कुछ आ गया मेरी समझ में। क्या बोल रहा है? मैं प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग है, रात को सीटिंग है। अच्छा, तो इस तरह की सीटिंग चलती थी तेरी? देख मंगेश, तू समझ नहीं, इसको समझाना यार। देख रवि, उस औरत का नाम बता दे। अरे तू कमल, उस औरत का नाम बता दे। हो सकता है अभी तक उसने आत्महत्या न की हो, बता दे उसका नाम। तू जबरदस्ती मेरे गले पड़ रहा है यार, इसको समझाना यार तू। एक मिनट। क्या हो? मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। ये बच्ची रवि की नहीं, किसी और की है। किसी और की है ने? अरे वही जो हमारी नींद हराम करता है और अंदर आराम से सो रहा है अभी। इसकी आंखें और इसकी आंखें, इसकी नाक और इसकी नाक मिलती है। ये देख, मिली थी। क्या कर रहे हो यार, इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? रात को इतनी देर से आया, सोने भी नहीं देते। जनाब, चादर में मुंह छुपा के सोने से काम नहीं चलेगा। खुल के सामने आइए, अपनी बच्ची को संभालिए। बच्ची? बच्ची कौन सी बच्ची? कैसी बच्ची? किसकी बच्ची? ज्यादा बात मत करा, हमको सब मालूम है। क्या मालूम है तुम लोगों को? हाँ, तुम लोग ये बात क्या कर रहे हो यार? रवि, दिस इज नॉट फनी यार। ये क्या बोल रहे हैं? आई एम सॉरी दोस्त, ये तो एक ना एक दिन होना ही था। व्हाट आर यू सेइंग मैन? सफर, देख, हमें कुछ नहीं सुनना है। अगर हमें नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, पर इस बच्ची की माँ जो कोई भी है उसे यहाँ बुलवाओ, फिर तुम जानो तुम्हारा परिवार। मेरी बात मान ले दोस्त, अपनी जिंदगी की किताब को नए सिरे से लिखना शुरू कर दे। ऑल द बेस्ट। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। क्या होना था यार एक ना एक दिन? रवि, तो बात क्या कर रहा है? तुम लोग कहाँ जा रहे हो यार? क्या मुसीबत है? और हाँ, इसे मुसीबत समझकर छुटकारा पाने की कोशिश की तो आई शपथ फोड़ डालूंगा तेरे को मैं। मंगेश, और सुन लो, अगर इस बच्ची को कुछ हुआ ना तो हम में से कोई तुमसे बात नहीं करेगा और तुम्हें शरीर से बाहर निकाल देंगे। बाप रे बाप। सफदर, सॉरी दोस्त, ये तो एक ना एक दिन होना ही था। क-
करीना हाय। निर्मल यू इतने दिनों के बाद। हाँ बस ऐसे ही मैंने सोचा फोन कर लूं। अब करीना तुम्हें याद है हम पहली दफा कब मिले थे? क्या मतलब? I mean, you know, शर्ली रोड में। मेरा मतलब है मेरे कमरे में। You naughty, how can I forget that day? उस दिन मेरा बर्थडे था और तुम मुझे अपने रूम पे एक सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए ले गए थे। तो हमने केक काटा था और कैटरलाइट डिनर भी किया था और उसके बाद यू। अब करीना, I'm sorry, तुम्हारा बर्थडे कब है? निर्मल, how can you forget my birthday? 4th July. सफीना, ये फोटो वोटो लेने का नहीं, पहले बोलता हूं मैं। तू कमाल कर रहा है यार मंगेश। सपना के आने से पहले निर्मल ने बच्ची को इधर उधर कर दिया तो हमारे पास प्रूफ तो होना चाहिए कि नहीं? अबे सपना गई अपने मौसी के घर, उसे आने में बहुत टाइम है अभी। टाइम स्क्रीन प्ले में सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइमिंग, सही वक्त पर सही कैरेक्टर की एंट्री। वाही है, मैंने उसे ट्रंकल कर दिया है। अभी तुझे शर्म नहीं आती? अपने लव ट्रायंगल में तू छोटी बच्ची का इस्तेमाल कर रहा है? अबे तू इतना नीचा गिर सकता है? हाँ, इतनी छोटी बातें कर सकता है तू? प्यार ऊंच नीच छोटा बड़ा कुछ नहीं देखता, प्यार तो अंधा होता है। फ्लैश फॉरवर्ड, सोच जयंत अकेले रूम में है, साथ में एक यंग सेक्सी गर्ल है और तेरे हाथ में कैमरा है, तो तू क्या करेगा? करे? अबे साले, अच्छा तो निर्मल को ब्लैकमेल करने के लिए तू सब कर रहा है ना? अरे रवि भूल मत, निर्मल अपना दोस्त है। दोस्त इंसानियत से बड़ा नहीं होता दोस्त। सोच निर्मल ने कितने घर बर्बाद किए हो, कितनी अवलाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर किया होगा उसने। सोच अपने लिए ना सही मगर इंसानियत के लिए सपना को सच सच पता देना चाहिए। तुम्हारा हाथ में बच्चा इतना लवली, इतना स्वीट दिखता है, हम बोलते हैं गॉड तुम्हारा हाथ स्पेशली बच्चा उठाने के वास्ते बनाया। ओह इतना अच्छा होता है ये बच्चा तुम्हारा और हमारा, हम दोनों का होता। अभी भी और बोलता है तुमको मोहिनी, तुम हमारे साथ शादी बना लो। हेनरी, मोहिनी, हेनरी, तुमको अगर अपनी बकवास चालू रखनी है तो मैं जाती हूँ, ये लो। मोहिनी माय बेबी, ओ ओ ओ नो दिस बेबी। मोहिनी सुनो, जो अरे मोहिनी, अरे मोहिनी सुनो, पकड़ 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 मोहिनी सुनो। क्या फोटो है बाप बेटी की, वाह क्या कर रहा है यार, इतनी मुश्किल से तो अंगूठा मुंह में रख के इसे सुलाया था, अब संभाल इसे। अरे उसमें क्या है यार, दो मिनट में चुप कर रहता हूँ मैं, दो मिनट में करता हूँ उसमें क्या। ओयो यो 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 निंदिया ले चल कहीं खटोले में दूर। मेरे भाई प्लीज तू रहने दे यार, तू ऐसे गाएगा ना तो सोता बच्चा भी उठ के रोने लगेगा। ए राइटर, ये कोई फिल्म का स्टोरी नहीं है, रियल लाइफ का स्टोरी है। ये तो फिल्म में होता है, इधर लोरी गाया उधर बच्चा सो गया। भैया बच्चे को सुलाने का स्टाइल हो गया बाप, ला इधर ला। बच्ची को डरा रहा है ये तो। अरे यहाँ लाओ। ओ दे यार, तुम लोगों को बच्चों के बारे में ए बी सी डी भी नहीं आता। अरे इलाज करने से पहले ये जानना जरूरी है कि बीमारी क्या है, बच्चा क्या चाहता है। दूध पियोगा बेटो? दूध नहीं। अच्छा ठीक है, दूध नहीं पिएगा, दूध नहीं पिएगा। पानी पानी, ये लो पानी। ओल थोड़ा पी ले बेटू। चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी बीमारी की जड़ तक पहुंचाए। हाय, ओह यू व्हाट अ स्वीट बेबी। अब आएगा स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट, कहानी में एक नया मोड़।
एक मिनट बेचारा किसका ये तो एक ना एक दिन होना ही था सुना है इस अली रोड में एक नया मेहमान आया और वो मेहमान एक छोटी सी 6 महीने की बच्ची है सुना है बच्ची बहुत प्यारी है तुम्हें नहीं लगता कि हमारे घर में भी एक प्यारा सा छोटा सा मेहमान आ जाए मैं हमारी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ और तुम कब से हूँ करती जा रही हो जयंत मैं एक साथ 2 बच्चों को नहीं संभाल सकती What do you mean? I'm a kid? मेरे बाल सफेद हो रहे हैं मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ ऑफिस में लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं because I don't have a kid and you're saying I have a kid? जयंत तुम्हारी हरकतें बच्चों से भी गई गुजरी हैं फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मैंने तुमसे क्यों शादी की और किन हालात में शादी की किन हालात में तुम्हारी माँ मरने वाली थी तुम उसे खुश देखना चाहते थे तुम मेरे पास आके रोए और मैंने तुम पे तरस खा के शादी की एंड बाय द वे तुम्हारी माँ आज भी जिंदा है हमारे बीच में मेरी माँ को मत लाओ सपना मेरी बात तो सुनो मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा अभी भी समझाने के लिए कुछ बाकी है क्या तुम्हारी नाराजगी मुझसे है ना उस बेचारी बच्ची पे क्यों निकाल रही हो अपना गुस्सा देखो कैसे रो रही है सपना उसे संभाल लो कुछ दिनों के लिए अच्छा चलो कुछ टाइम के लिए अभी के लिए निर्मल मुझे दूसरों की मुसीबत अपने सर लेने का कोई शौक नहीं है और हाँ आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना I'm sorry दोस्त ये तो एक ना एक दिन होना ही जयंत मैं सोच रही थी कि शाम को जो तुम कह रहे थे ठीक ही कह रहे थे yes बच्ची को गोद लेने के बारे में सोच रही थी नो यस मोहिनी हेनरी आई एम सॉरी मैंने सवेरे तुम पर गुस्सा किया हेनरी मैं सोच रही हूं कि सवेरे तुम ठीक ही कह रहे थे यू मीन शादी नो हेनरी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा अच्छे दोस्त ही बने रहेंगे हेनरी तुमने कहा था ना गॉड ने मेरे हाथ बच्ची को उठाने के वास्ते बनाए हैं हाँ हाँ मगर हम तुमको कुछ और भी बोल रहा था हेनरी बुरा मत मानना मैं शादी करना नहीं चाहती लेकिन ये नहीं हो सकता हम दोनों अपने साफ सुथरे रिश्ते को कायम रखें और उस बच्ची की देखभाल करें Malaria is infectious, chiefly tropical disease characterized by periodic chills and fever. Hmm.
दादा दरवाजा बंद करके अंदर आता है, दम की बोतल उठाता है, खटाक करके फोड़ देता है और राजू को कहता है तेरे पेशे में का माल मैं निकाल डालूंगा। और फिर तू तो सो गई, मेरी फिल्म हिट हो गई। ये गाड़ी चलाएगा, अभी बहुत जोर से गाड़ी चलाएगा, पीप 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 पीप। हेलो बोलो, हेलो हेलो 17 शर्ली रोड। ओ नहीं, 17 शर्ली रोड। हाँ बेटा, गुलन आंटी अच्छी हैं, जैन अंकल गंदा। नर्स, डॉक्टर शेट्टी से कहना कि बाकी पेशेंट्स वो खुद ही देख ले, मैं घर जा रहा हूँ। एंड फॉर हेवन से गेट रिड ऑफ दैट च्युइंगम। अब पढ़ो। क्या बात है डॉक्टर साहब, आज इतनी जल्दी वापस? बम्बई में लोगों ने बीमार होना बंद कर दिया या बीमार लोगों ने तुम्हारे पास आना बंद कर दिया? आप ऐसा ही कुछ समझिए। क्या बात है मंगेश, आज तुम भी? आज जिसे देखो पैकेट्स उठाए चला रहा है। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही। मुझे सब मालूम है, जब से बच्ची इस घर में आई है किसी का मन शर्ली रोड के बाहर लगता ही नहीं है। पहले वो सफदर आया और अब तुम, और वो राइटर घर के बाहर गया ही नहीं है। अच्छा, प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग थी, उसे कैंसिल करके यहीं आसपास घूम रहा है वो। मंगेश, मंगेश, क्या हुआ? मंगेश वो बच्ची गायब है यार। क्या बात कर रहे तू? हाँ, तूने ठीक से देखा क्या? अरे मैंने पूरा कमरा देख दिया यार, वो बच्ची नहीं, उसका सामान भी नहीं है वहाँ पे। निर्मल कहाँ पे? वो भी गायब है यार। ए, तू एक काम कर, तू ऊपर देख, मैं नीचे देखता हूँ, जा जल्दी। निर्मल, निर्मल, जयंत, विलन, बच्ची, बच्ची को देखा तूने? नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो बच्ची नहीं मिल रही है, निर्मल भी गायब है। निर्मल, मैं तब से क्या कह रहा हूँ तुझे, मुझे बच्ची नहीं मिल रही है। क्या बात कर रहे हैं यार? यार बच्ची को निर्मल के पास हमें छोड़ना ही नहीं था। अरे मैंने तो निर्मल को अभी अभी बाथरूम जाते देखा यार। निर्मल, निर्मल कहाँ है वो बच्ची? क्या कहते हैं उसका बोल, कहाँ है वो बच्ची? अरे मैंने कहा था अगर बच्ची को कुछ हो गया ना, मेरी तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। भाई यार लोग चुप बैठो यार, उसे तो बोलने दो, बता बच्ची कहाँ है, बता। मुझे क्या पता यार, मैं तो उसे यही छोड़ कर गया था। अरे हट, इसमें जरूर इसकी कोई चाल है, दिन के 2 बजे कोई नहाता है। रात को बच्ची ने सोनी नहीं दिया, इसलिए अभी ना आ रहा हूँ। साले झूठ बोलता है, बोल कहाँ है बच्ची, बोल। और मारो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, आपस में झगड़ रहे हो, चलो उधर जाके बच्ची को देखते हैं। चलो चलो, छुड़ाने में बोल कहाँ है। आजकल तू अपने को बहुत चाणा समझता है, तेरे को प्ले में हीरोइन का हृदय परिवर्तन। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। देखो फ्रेंड्स, मोहनी और हमने डिसाइड किया कि आज से इस बेबी का देखभाल हम लोग करेगा, हम पालेगा। नो 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 नो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस बच्ची को लीगली अडॉप्ट करने का फैसला कर लिया है। एंड गुलन हैज आल्सो अग्रीड, हैवंट यू गुलन? गुलन? क्या गुलन? मैंने अपने लॉयर से बात कर ली है और वो कल आने वाला है, कल से बच्ची हमारे साथ रहेगी। क्या बात कर रहे हैं, बच्ची को हम लोगों ने पहले देखा है भाई, बच्ची हमारे साथ रहेगी। और नहीं तो क्या, पिछले 2 दिन से हम लोग ठीक से सोए भी नहीं है। हाँ? नहीं नहीं नहीं, बच्ची हमारे पास रहेगी। क्या है, आप लोगों के यहाँ मौसम ऑलवेज बदलते रहता है ना, कल को कुछ हो गया तो क्या सब जगह। इसलिए हमने डिसाइड किया कि बच्ची उसी के साथ रहेगी जो उसे खुश रख सके, है ना? हाँ, यानी हम दोनों के साथ। हम दोनों मतलब? हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया। ये तो मेरे स्क्रीन प्ले में नहीं था। पैचवर्क, तुम एक छोटी सी बात भूल गया, फिल्म के एंड में हीरोइन विलन के साथ है। हीरो के साथ जा। ए, ये सब ठीक है, बच्ची तुम लोगों के साथ नहीं रहेगी। ए, तू सरदार बोलना, बोलना यार। हमने तो बच्ची के लिए नाम भी सोच लिया है, बच्ची बिल्कुल फूल की तरह है, नरगिस। हाँ, अच्छा नाम है। What about Nancy? End for Nancy. हम तो इसे निकिता आहूजा बुलाएंगे। निकी, मैंने तो बच्ची का नाम रख भी लिया है,
नेहा। नीतू, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, नीतू, नीतू मेरी बच्ची। आप? भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही इस बच्ची की अभागी माँ हूँ। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं मजबूर हो गई थी, इसलिए मरने से पहले मैं ही इसे आपके यहाँ छोड़ के गई थी। पर आप उसे यहीं पे क्यों छोड़ गई? मैं बताता हूँ भाई साहब, एक्चुअली सारा कसूर मेरा। रीटा जब माँ बनने की खबर लेके आई तो मैं घबरा गया था, मैंने इसे झूठ बोला कि 3-4 दिन बाद तुमसे शादी करूंगा, ये कह के मैं कलकत्ता चला गया। और ये बेचारी जब तक मेरी राह देख सकती थी देखती रही, पर आज जबकि आत्महत्या करने जा रही थी कि मैंने anyway, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम लोग आपको और तंग नहीं करेंगे, चलो रीटा। अब आप लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? कलकत्ता, मेरी वहाँ सरकारी नौकरी लग गई है, चले। एक मिनट, क्या आज की रात आप हमारे साथ रुक सकते हैं? ठीक है।